नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर वन नॉर्थन रीजन के कैंडिडेट का एडमिट कार्ड स्टेटस रिलीज हो चुका है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नॉर्थन रीजन के कैंडिडेट किस तरीके से देख सकते हैं कि उनका एसएससी सीजीएल का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और अगर एक्सेप्ट हुआ है तो किस डेट में उनका एग्जाम है, किस शहर में एग्जाम है, कितने बजे एग्जाम है, और एडमिट कार्ड वो कब डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी वैसे हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन इसमें काफी लोगों के डाउट थे। काफी लोग बोल रहे थे कि सर, हम एसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। दो तरीके आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एसएससी सीजीएल टीयर वन का एडमिट कार्ड स्टेटस देख सकते हैं। तो एक तरीका तो यह कि एसएससी ही डाल दीजिएगा किसी भी सर्च इंजन में। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगी। अब सिंपली ये जो एडमिट कार्ड है इस पे क्लिक करें और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे आ रहा है नॉर्थन रीजन, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर आपके सामने साइट ओपन होके आ जाती है तो वो उस पे जो भी लिंक है उस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर साइट ओपन होके नहीं आ रही है, इस तरीके से आ रहा है, तो दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा TECHBHATI, ठीक है, टेक भाटी, TECHBHATI। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, हिंदी क्राउड टेक भाटी, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी टेक भाटी वाली। अब इस पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रिसेंट पोस्ट है एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2022, एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड स्टेटस, तो यहीं पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो अगर ये ओपन हो जाता है तो ठीक है, अगर इस तरीके से आता है तो क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा और नीचे की तरफ आप यहाँ पे आओगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा SSENR.NIC.IN, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहीं पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाती है। अब यहाँ पे जो आ रहा है स्टेटस फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 टीयर वन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो बॉक्स है आई एग्री का, इस पे क्लिक करें और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें आप रजिस्ट्रेशन आईडी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये डिटेल आपको आपकी ईमेल आईडी पे भी दिख जाएगी। अगर नहीं दिख पा रही है आपको तो सिंपली नीचे की तरफ आप आइएगा, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम डालिएगा, यहाँ पे फादर नेम डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस, स्टेटस फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 टीयर वन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, यहाँ पे फोटो साइन आपके दिख जाएंगे, यहाँ पे फादर नेम दिख जाएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपकी दिख जाएगी, यहाँ पे एग्जाम डेट दिख जाएगा, किस डेट में आपका एग्जाम, किस दिन आपका एग्जाम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एग्जाम सिटी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, शिफ्ट आपको दिख जाएगी, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, रिपोर्टिंग टाइम आपको दिख जाएगा कि आपको कितने बजे वहाँ पे एंट्री मिलेगी, वो टाइम यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको एग्जाम टाइम दिख जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका एग्जाम है। यहाँ पे फॉर्म का स्टेटस दिख जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे डाउनलोड स्टेटस, तो एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग की बात करें तो एडमिट कार्ड आप जिस डेट में आपका एग्जाम है उस डेट से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पे आपको लिंक दिख जाएगा डाउनलोड का, ठीक है। तो या तो 4 दिन पहले आपको दिख जाएगा या 3 दिन पहले तो आपको दिख ही जाएगा। तो 3 दिन पहले तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो अपना एसएससी सीजीएल टीयर वन का एडमिट कार्ड। और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो उससे रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है
तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उस पर क्लिक करके सीधा आप स्टेटस देख सकते हो, या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन एडमिट कार्ड आप तभी डाउनलोड कर सकते हो जिस डेट में आपका एग्जाम, उस डेट से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले। सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा, सोशल साइट के लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, या राइट टॉप में भी सोशल साइट के लिंक आपको दिख जाएंगे। और बाकी बात करें प्लेलिस्ट की, तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही इसको आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।